व्हाट्सअप गाइस मानो में। तो आज हम फिर से आ गए हैं रेड के अंदर, उसके बारे में, गेम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो लाइक करिएगा चैनल को, प्लीज़ के प्लीज़ आप जो हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ कुछ लोगों को सवाल पूछने होते हैं तो मुझे कई लोग लोग क्वेश्चंस करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वहाँ पे जो है मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा। आप अगर डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं, डिस्कॉर्ड को डाउनलोड कीजिए, वीडियो भी शेयर, मेरा लिंक है डिस्कॉर्ड, वहाँ पे मुझे करिए, वहाँ पे आप फोटो वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, वहाँ पे ज़्यादा आसानी से मैं आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। कभी कभी मुझे कुछ बताए और मुझे समझ ना आए तो मैं आपको ठीक से शायद नहीं बता पाऊँगा, तो डिस्कॉर्ड पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भाई बात करते हैं मुझके भैया, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया मुझे जेम्स दे दो और मुझे शार्ट्स दे दो और मुझे ये सब चीज़ दे दे दो। तो पहली बात तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रोमो कोड है ये क्या है लिटरली मुझे अभी नहीं मालूम। मैंने दो चार लोगों से और पूछा है, मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा है इसके बारे में, आई थिंक अभी किसी को भी कुछ नहीं मालूम। तो अभी तो इससे कोई किसी को कुछ मेरे हिसाब से दे नहीं सकता, ना शायद ले सकता है। और बात करते हैं मेरे को लोगों को गिफ्ट देने की, तो भैया एक बात कि अभी मैं कहना चाहता हूँ कि भैया मैं YouTube से मुझे अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। चैनल मेरा बहुत पुराना है पर मेरे सब्सक्राइबर तो अभी क्या कहते हैं मोनिटाइजेशन के हिसाब से भी नहीं हुए। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, मेरे तो अभी 800 के आसपास हैं, तो अभी तो उसमें टाइम लगेगा। 1000 अगर सब्सक्राइबर हो भी जाते हैं तो भी कोई ऐसे सोना चांदी नहीं मिलता गिन के। अगर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा चलेंगी, 5-7 हज़ार हर वीडियो पे व्यूज़ होंगे, तब जाके आप लगा लीजिए महीने के 2 या 3 हज़ार रुपये बनते हैं अगर मैं इस बात से करूँ। बाकी जो है चैनल जब ग्रो होता रहता है तो भी 1-2 साल और ज़्यादा लग जाते हैं। तो दूसरी बात, एक तो मैं फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ, मैं गेम के अंदर पैसे नहीं खर्चता। तो अब आप बाहर देख सकते हैं बहुत सारे लोग ही आप वीडियोस भी देखते होंगे, हेलेडीज हो गया, ऐश हो गया, क्या नाम है, स्ट्यू हो गया, इन सब की। तो वो जो है आपको कह रहे हैं भी मेरा चैनल देखो, वहाँ पे जाओ, आपको मैं 500 जेम्स बांट रहा हूँ। तो भैया उनको ऑलरेडी गेम वाले, प्लेरियम वाले फ्री का सामान देते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर गेम के अंदर कुछ छोटी मोटी दिक्कत हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो उसके अंदर उनको हेल्प करते हैं, वो शुरू से हैं। इसलिए अगर मैं शायद शुरू से खेल रहा होता गेम में, अगर मैं वीडियोस बना रहा होता तो शायद मैं भी उनमें से हो सकता था, पर वो तो बात की बात है। और साथ ही साथ जो लोग उनको उनका चैनल्स पे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हैं तो उनको यूट्यूब से भी पैसा आता है, और यूट्यूब से पैसा आने से वो बाकी लोगों को चीज़ दे सकते हैं। तो जब मैं ऑलरेडी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना मैं कुछ खर्च रहा हूँ, तो मैं दूसरे को चीज़ ऐसे में कैसे दे सकता हूँ? तो आप खुद ही सोचिए, जब मैं ऑलरेडी गरीब हूँ तो मैं दूसरे को क्या चैरिटी करूँगा? तो पहली बात तो हमारी ये वाली क्लियर कर दी है। चलिए एक बात तो हमारी क्लियर होगी कि मैं अभी लिटरली किसी को कुछ नहीं दे सकता, और मुझे जेन्युइनली पता भी नहीं, अगर मेरा यूट्यूब जब बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तब तक तो मैं ऑलरेडी गेम में काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच चुका हूँगा। पता नहीं मैं साल भर बाद ये गेम खेल रहा होऊंगा कि नहीं खेल रहूँगा। जब तक मैं क्या कहते हैं किसी को कुछ देने लायक बनूंगा, मे बी और गेम्स होंगी तो उनके अंदर चांसेस हैं, पर अभी तक तो कुछ नहीं है। पर फिर भी मैं आपको जैसी भी हेल्प आपको कर सकता हूँ। गेम में कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन, स्पेशली न्यू प्लेयर्स को कन्फ्यूजन होती है कि क्या करना है, एक आर्टिफैक्ट्स के अंदर क्या करना है। तो एक अब मुझे किसी का क्वेश्चन याद था तो मैं सोच रहा हूँ उसका आंसर मैं आपको दे ही देता हूँ। किसी ने मुझे बोला था कि अटैक टाइप चैम्पियन के अंदर, दो अटैक टाइप चैम्पियन के अंदर आपको अटैक आर्टिफैक्ट्स डालने हैं। तो अटैक सेट, ऑफेंस सेट हमारा क्या होता है? ऑफेंस सेट होता है, यहाँ पे हमें मिलता है कैंपेन के अंदर हम जाएंगे तो सेकेंड के अंदर सीवर्स ऑफ आर के अंदर ये हमारा अटैक सेट होता है। ये हमारा 6 पीस का होता है, एक सेट काउंट होता है 2 आर्टिफैक्ट्स का। यहाँ देखेंगे 2 = 1 सेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी चैंपियन पे 2 डालेंगे तो वो 1 सेट हो जाएगा। पूरा का पूरा अगर 6 डाल देंगे पैर से लेके वेपन तक तो 3 सेट होंगे, और आपको लगाना है अटैक चैंपियन। अटैक चैंपियन कौन सा होता है भैया? अटैक चैंपियन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, चैंपियन को खोलो, यहाँ पे अटैक लिखा होगा, उसकी रेयरिटी आपको नहीं देखनी, वो लेजेंडरी है, रेयर है, वॉयड है, जहाँ मर्जी है वो आपको नहीं देखना। बस आपको ये चीज़ देखनी है, उस पर अटैक लिखा होगा, यहाँ पे सामने ही आपको नज़र आ जाएगी।
तो आपको दो चैंपियन चाहिए, एक ये हो गया। आपके पास कोई भी चैंपियन हो सकता, केल, फ्रोजन पेंशी, गैलेक, एथल, डार्क एलिन, एलिन, कोई भी चैंपियन आपके पास हो सकता है। दो चैंपियन उसके ऊपर आपने लगाने हैं ऑफेंस के सेट, तो एक दो तीन, एक तीन सेट हो गए। दूसरा चैंपियन आप खोलेंगे तो एक दो और तीन, तो यहाँ पे हमारे बन जाएंगे दो चैंपियन पूरे सेट से। तो आइए बात करते हैं, मेरे को, मैं हर महीने आई थिंक ये वीडियो बनाता हूँ ऑलमोस्ट, तो मुझे कितना टाइम हो गया हुआ है गेम खेलते हुए, तो 16-17 महीने के आसपास मुझे हो चुके होंगे। मैं हूँ काफ़ी आगे तक पहुँच गया हूँ। अब आप बोलेंगे जी मैं अभी भी क्लैन बॉस को, अभी भी रिसेंटली, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, नाइटमेयर को मैं एक किसे करता हूँ, अल्ट्रा नाइटमेयर को मैं अब मैं चार किसे भी नहीं कर पाता। अगर मैं खाली वॉइड वॉइड करूँ तब शायद हो जाएगा मेरा, वो भी वॉइड तक पहुँचना मुश्किल होता है क्योंकि हमारी टीम वाले ही उसको ऑलरेडी बीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, मेरा लिटरली हमेशा फोकस रहा है एरिना, और एरिना के बाद मेरा रहा है फार्मिंग, मेरा एक ही मकसद रहा है गेम के अंदर। इसलिए मैंने अपनी डंजन्स बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक 6-7-8 महीने बाद मैंने डंजन्स को कंप्लीट किया था। क्यों? शायद मैं तब भी नहीं करता, क्यों? क्योंकि मुझे आर्बिटर चाहिए थी उस टाइम, मैं सोचा अब तो चलो भाई हद हो गई है, अब तो सबके पास आर्बिटर आ गई है और अब मुझे भी आर्बिटर चाहिए, तो इसलिए मैंने आर्बिटर के मिशंस हमने ऑटो पे करने होते हैं, और क्योंकि ऑटो बैटल्स हमें करनी होती है, डंजन्स 20, फायर नाइट, आइस गोलम, स्पाइडर और तीसरा क्या था, ड्रैगन, तो ये चारों को चारों हमें करनी पड़ती हैं ऑटो पे, तो इसलिए मैंने करी थी डंजन्स तब भी। उसके बाद भी शायद मैं नहीं करता जब तक मुझे बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो रहा था भैया, एरिना चल रही है, टोकन्स आ रहे हैं दवा के, तो मैं, मेरा मकसद था कि ग्रेट हॉल को फुल्ली अपग्रेड करना है। तो यहाँ देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ तक पहुँचा हूँ अपने चैम्पियंस वगैरह आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरे ये सारे चैम्पियंस हैं, आई थिंक मेरे पास 50 के आसपास, ऑलमोस्ट 60 चैम्पियन मेरे पास हैं लेवल 60 के, और आधे इनमें से हो गए होंगे फुल्ली मास्टर्ड। तो मास्टर्ड का मतलब ये होता है कि ये जो अपनी पूरी मास्टरीज हैं ये कंप्लीट हो जाए, तो फुल्ली मास्टर्ड मैक्स्ड आउट चैम्पियन इसको आप कहते हैं। रही बात, और भी मेरे पास कई सारे चैम्पियंस हैं, तो इन सारे चैम्पियन में से मुझे किसी ना किसी को 60 बिल्ड करना है। साथ साथ अगर मैं आपको अपना वॉल्ट भी दिखाता हूँ, कहाँ गया भाई, तो ये मेरा वॉल्ट है, इसमें से मैं 99% किसी भी चैम्पियन को कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहा। मेरे पास कुछ डूप चैम्पियन हैं, कुछ चैम्पियन हैं जो मैं यूज़ नहीं करने वाला, जैसे कि हमारे ये लेजेंडरी चैम्पियन है एस्टलॉन, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं दूसरा नहीं बिल्ड करना चाहता। तीसरी ये एबिस है, मेरे पास इसका डूप नहीं है तो भी मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इसकी मुझे बाकी कहीं पर मेरी ज़रूरत इसकी पूरी नहीं होगी। तो इस टाइम तक मैं पहुंच गया हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी लेजेंडरी चैंपियन है तो मैं इसको यूज नहीं करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास फोर्स का एक न्यूकर चैंपियन पड़ा हुआ है। अब मुझे चैंपियंस खाली चाहिए फैक्शन वॉर्स के लिए, क्योंकि फैक्शन वॉर्स मैंने अपना मकसद बना लिया है कि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, कितना, 732 तक पहुँच गया हूँ, और लास्ट 2 या 3 महीने में मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 50 से लेके 100 स्टार्स मैंने कलेक्ट कर ली हैं। अब मैं और भी चैंपियंस, 5 या 6 चैंपियंस मैं अपने और बनाने वाला हूँ जो लेवल 60 होंगे, वो स्पेशली फैक्शन वॉर्स के लिए होंगे। होपफुली वो चैंपियंस बहुत बढ़िया हों, और मेरे पास सेक्रेट शार्ट काफ़ी सारे हो गए हैं और काफ़ी सारा वॉइड शार्ट हो गए हैं, तो मे भी मुझे और बेटर चैम्पियन मिल जाए, तो मैं ताकि वो चैम्पियन को, कोई बेकार चैम्पियन को मैं ना बिल्ड कर पाऊँ और मैं कोई बढ़िया चैम्पियन मुझे मिलेगा। आई थिंक फ्राइडे को हमारा आने वाला इवेंट टूर्नामेंट, तो उसके अंदर हम जरूर कोशिश करेंगे अच्छे चैम्पियंस निकालेंगे, तो आप लोग भी उसकी दुआ कीजिएगा कि मुझे अच्छा सा चैम्पियन मिल जाए। साथ साथ बात करें ग्रेट हॉल की, तो ग्रेट हॉल में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब यहाँ देख ही सकते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे टोकन हो गए तो मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे के सारे मोस्टली जो है मैं ग्रेट हॉल के पार्ट्स को, इम्पोर्टेंट पार्ट को, मैं आपको क्या ज़रूरत है उनको फुल्ली अपग्रेड करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रेट हॉल डेवलपमेंट 130, आई थिंक ग्रेट हॉल आप 240 लेवल तक कर सकते हैं,
तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ज़रूरी है, वो भी बात की बात हो तो अलग से सेपरेट वीडियो, शायद मैंने वीडियो बना भी रखी है, आप वो भी देख सकते हैं ग्रेट हॉल के बारे में। और देखिए हम कहाँ पे, तो माइन मार्केट ये सब मैंने कर रखी है। स्पेयरिंग पिट को मैंने अपग्रेड नहीं करा, खाली मैंने दो एक्स्ट्रा खोले हैं। इनको भी मैं बहुत ही रेयर यूज़ करता हूँ, जब मैं फ्यूजन में होता हूँ तब तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे चैंपियन जो है मैं मैनुअल फार्मिंग करता हूँ। मेरा मोटिव रहता है खाली फार्मिंग करना, दबा के चैंपियंस को रैंक 60 करना, और इतने सारे रैंक 60 चैंपियंस हो जाएं कि भैया मेरे पास कमी ही ना हो, मैं एक सेकंड में दूसरी चीज़ कर लूँ। तो मेरा ये होता है, ये नहीं कि मैं चैंपियन बिल्ड करा फिर मैं फंस गया, फिर मैं दो चार महीने के लिए रुका फिर मैं चैंपियन बिल्ड करे, ऐसा नहीं। मैं खूब सारे चैंपियन बना लेता हूँ फिर एकदम से ही 50 पॉइंट्स अपने, जैसे फैक्शन वॉर्स के अंदर मैंने ले लिए थे वैसे ही मैं करता हूँ। तो मेरा ये थोड़ा घूम फिर के टाइमिंग वही पहुँचती है। डूम एना के अंदर गोल्ड 4 पे हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 महीने या 1 साल हो गया है, नहीं 7-8 महीने तो हो ही गए होंगे मुझे गोल्ड 4 पे ही मैं अटका हुआ हूँ। और होपफुली ऐसी अगर मुझे इजी इजी टीम्स अगर मिलती रहेंगी तो मैं तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाऊँगा। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं एरिना के अंदर तो भी मुझे कोई भी लिटरली कोई भी दिक्कत नहीं है 1% भी। चलिए इसको भी अपने पॉइंट्स फटाक से कलेक्ट कर लेते हैं, बढ़िया काम हो जाएगा हमारा। चलो भाई सेफ्टी मस और बड़े चैम्पियन, तो ये हो गया हमारा। और इसको करते हैं रिफ्रेश और फिर से बात करते हैं इसकी टैग एरिना की, जिसको बहुत ही कम लोग खेलते हैं और लिटरली बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है, इसलिए आई थिंक लोग इसको ज़्यादा खेलते नहीं हैं ना इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट देते हैं और मतलब इम्पोर्टेंट रोल देखते हैं अपनी गेम के अंदर। तो इसके अंदर मैं सिल्वर 3 पे हूँ, लिटरली जनरली बताना चाहूँ इसके अंदर सिल्वर 3 आप लगा लीजिए, गोल्ड 2 वाला हाल है, गोल्ड 2 या गोल्ड 3, क्योंकि सिल्वर 3 से सिल्वर 4 पहुँचने के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब मेरा एक प्रोग्रेस मिशन है सिल्वर 4 तक जाने का, तो मैं उसके लिए पागलों की तरह सारा दिन करता रहता हूँ। तो अभी मैं काफ़ी सारी बैटल्स भी जीता हूँ, पिछली सारी बैटल्स आप यहाँ देख ही सकते हैं, कुछ टीम मैं पूरी की पूरी जीता हूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लकी हो जाता हूँ। साथ साथ डिफेंस बोले तो डिफेंस तो मेरा मोस्टली मैं हारता ही हूँ आप यहाँ देख सकते हैं, जबकि मेरी टीम्स भी काफ़ी अच्छी हैं, ऐसा कुछ बुरी मेरी टीम नहीं है। ये देखिए ये मेरी टीम है 3x3 की। और बात करते हैं क्या क्या एरिया रह गए, तो मैंने सारी की सारी डंजन्स कर ली हैं, ये आर्केन की, फोर्थ की, वे की, ये सारे के सारे जो है मैंने निपटा दिए हैं। मिनीटोर मैं यूज़ करता नहीं हूँ पर वैसे मैंने कंप्लीट कर रखा है। स्पाइडर हो गई और क्या हो गया, फायर नाइट हो गया, ये सब के सब मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। और बात करते हैं क्या क्या एरिया हो गया, क्लैन वॉर्स में मैं 1 की नाइटमेयर करता हूँ और अल्ट्रा नाइटमेयर तो कभी कभी 4 की भी नहीं होती, तो इसकी मैं बात करूँगा ही नहीं अल्ट्रा नाइटमेयर की। नेक्स्ट की हमारी करें बात करेंगे डूम टावर की, फैक्शन वॉर्स के अंदर भी मैंने आपको दिखा दिया कितने पॉइंट्स ले लिए हैं। डूम टावर नॉर्मल मैं कर लेता हूँ हंसते हंसते, हार्ड में मैं मैक्सिमम पहुँचा हूँ, रुक जाओ 67 या 68 तक पहुँचा हूँ, इसके आगे मैं हार्ड डूम टावर के अंदर नहीं पहुँचा। और डूम टावर ऐसे जनरली काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक चैंपियन नहीं है तो आपको जो है डूम टावर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। डूम टावर हार्ड यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो आपको मैंने आई थिंक सब कुछ जो है बता ही दिया है। यहाँ पर डेली लॉग इन आता नहीं है, ये सब मेरे 1 साल तो हो ही गया है। ओके okay, नहीं 271 डेज है ना, 271 डेज में अगर 3-4 तो मुझे आई थिंक 15 महीने हुए होंगे, हाँ आई थिंक 15 महीने मुझे हुए होंगे, और 15 भी शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, नहीं यार 15 महीने तो हो ही गए होंगे, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर जनवरी की या मार्च के आसपास मैंने ये गेम शुरू करी थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये थी मेरी गेम का छोटा सा रिव्यू, और फिर से बताना चाहूँगा कोई मैं अभी कुछ वैसे भी नहीं दे सकता, फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। डिस्कॉर्ड डाउनलोड कीजिए, डिस्कॉर्ड के अंदर आप मुझे चैट मैसेज भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है मेरा लिंक वहाँ पर भेज सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा एक और
चैनल भी है, वो अनबॉक्सिंग और रिव्यू के ऊपर है, वो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो आप चाहें तो वो वाला चैनल भी देख सकते हैं। मे बी आपको कोई चीज़ ख़रीदनी हो, या फ़ोन या कोई गैजेट या बच्चों की चीज़ें, मैं जो जो चीज़ें ख़रीदता हूँ मोस्टली 90% उसकी वीडियोज़ वहाँ पर डाल देता हूँ, तो खाने पीना भी हो गया, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, मुझे ज़रूर सब्सक्राइब वहाँ भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो नीचे लिंक है, देसी अनबॉक्सर नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू मेरे आईडी के ऊपर और मेरी जो गेम का ज्ञान था उसके ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।